राम राम सा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर जो है शिवजी महाराज का मंदिर। ये मंदिर 100 से 200 साल पुराना है, ऐसा मेरी दादी कहती है कि मेरे जन्म के पहले का मंदिर है। ये गांव की टंकी है, फिर गांव में इसी टंकी से पानी सप्लाई होता है। मजे की बात है, ये मंदिर की विशेषता है जो भी इस दर्शन करने आता है भगवान शिव जी के, उसकी समग्र उसकी इच्छा पूरी होती है। जो भी उसकी इच्छा होती है, जिसकी शादी नहीं होती, जिसके मतलब काम धंधे में कोई कमी हो, या मतलब जो भी जिसकी जैसी इच्छा पूरी करनी होती है, वो भगवान शंकर प्रभु करते हैं। और ऐसा कहते हैं इस मंदिर में हर कोई जल्दी आ नहीं सकता, आपको 2 से 3 बार भगवान की अरदास लगानी पड़ती है। ये देखो, ये हमारे गाँव का सबसे पुराना मंदिर बावले बाबा का मंदिर, जहाँ दरुडला इधर होते हैं, जिस घर में पोती पोता होते हैं, लोग दूर दूर से दर्शन करवाने के लिए आते हैं बावले बाबा के मंदिर। जय हो प्रभु आपकी। मंदिर की ये ऊपर से मंदिर ऐसा दिखता है, काफी अद्भुत और काफी सुंदर, काफी अब ऐसे मंदिर की खास बात है, ये काफी अद्भुत दिखता है। ये देखो आप, ये मंदिर में 100 से 200 सीढ़ी चढ़ने के आना पड़ता है, और हर कोई जल्दी चढ़ नहीं सकता, और पहली बार में तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकते, मिनिमम आपको 2-3 बार रुक रुक के चढ़ना पड़ता है। इस सीढ़ी की विशेषता काफी, मतलब ये सीढ़ी लगातार बनाई नहीं गई है। ऊपर देखो आप, एक स्टेप बाय स्टेप देखो ऐसे बनाए गए, आपको ऐसा ऐसा लगता है हम कहाँ आ गए। ये देखो मंदिर का एंट्रेंस है देखो आप, और मंदिर की खास बात है हर कोई जल्दी से आ नहीं सकता, जब तक भगवान शंकर प्रभु आपको बुलाएंगे नहीं तब तक आप आ नहीं पाओगे। भले आप कितनी भी आपने श्रद्धालु हो, आप कितने भक्त, जब बाबा आपको बुलाएंगे तभी आप आ पाओगे। और मंदिर में हर साल स्वामिनी वगैरह होती है, दूर दूर से लोग प्रसाद लगाते हैं, स्वामिनी करते हैं बाबा की, भगवान की। देखो ये है प्रभु शंकर, जय हो प्रभु आपकी। मैं जल्दी से फुटेज ले नहीं पाया, यहाँ पे अलाउ नहीं करते फोटोज लेना। ये मंदिर पहाड़ों पर है, भगवान शंकर पहाड़ पर विराजमान है यहाँ पे। ये देखो आप, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले महादेव। ये देखो आप पहाड़ पे मंदिर, यहाँ पे सब टाइप की फैसिलिटी दी है, एसी, कूलर, फ्रिज, फर्नीचर वगैरह सब, जो पंडित जी को सब चीज़ दिया गया है। देखो बाहर से मंदिर, ये मंदिर काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है ऊपर पहाड़ों पे, ये आपको मैं इतना बता नहीं पा रहा, लेकिन अंदर से काफ़ी फैला हुआ है। देखो आप यहाँ पे लोग पहले आने के पहले लोग काफ़ी बार सोचते हैं बाबा हमको कब बुलाएंगे, कब बुलाएंगे, तब बाबा हमको बुलाते हैं। ये देखो आप ऊपर से काफ़ी एकड़ में फैला हुआ है मंदिर, देखो आप देख सकते हो पहाड़ पे। आपको लगता नहीं कि ऐसा मंदिर पहाड़ पे भी हो सकता है अगर आप, और इस मंदिर में एनी टाइम काम चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। और इस मंदिर की खास बात है जो भी इंसान इधर आता है वो कुछ ना कुछ प्राप्त करके जाता है। इस गांव में ऐसे मंदिर है, मुझे कमेंट करके बताइए, हम आपके गांव में भी आना चाहते हैं।